Today's date 8. Which month 7. Which year 2020. आपको ABCD लिखनी है A से लेके D तक, A से लेके D तक. One page CW and one page SW. इस तरीके से आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, वो पॉइंट बेटा मैं बना के आपको दूंगी. अपने पॉइंट पर रेड वाली लाइन पर आपको ए लेटर किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पॉइंट पर आप अपनी पेंसिल रखेंगे, राइट टू लेफ्ट स्लेटिंग लाइन बनाएंगे. क्या बनाएंगे? स्लेटिंग लाइन, इस तरीके से, और लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए. फिर दोबारा से यहाँ पॉइंट पर आप पेंसिल रखेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट स्लेटिंग लाइन बनाएंगे. क्या बनाएंगे? स्लेटिंग लाइन, इस तरीके से. और बीच में छोटा जो ब्लू वाली लाइन दिखाई दे रही है वहां पर छोटी सी स्लिपिंग लाइन. क्या बनाएंगे? स्लिपिंग लाइन. तो क्या बन गया आपका? ए फॉर एप्पल. क्या बन गया आपका? ए फॉर एप्पल. नेक्स्ट आप फिर यहाँ आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप पेंसिल रखेंगे, फिर यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और थ्री लाइन तक, 1 2 3 थ्री लाइन तक बनाएंगे. क्या बनाएंगे? थ्री लाइन तक स्टैंडिंग लाइन. फिर अपनी दोबारा पेंसिल रखेंगे यहाँ पॉइंट पर, फिर यहाँ घुमाएंगे ब्लू वाली लाइन तक, छोटा सा कर्व बनाएंगे. क्या बनाएंगे? कर्व. फिर यहीं पे पेंसिल रखेंगे, फिर दोबारा ब्लू वाली लाइन पे कर्व बनाएंगे. तो क्या बन गया आपका? बी फॉर बॉल. क्या बन गया? बी फॉर बॉल. फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर अपनी पेंसिल रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट बना है, फिर यहाँ पर अपनी पेंसिल रख के फिर घुमाएंगे और थ्री वाली लाइन तक, ब्लू वाली लाइन पे घुमाएंगे और यहाँ पे बन गया आपका सी. क्या बन गया? सी. सी फॉर कैट. सी फॉर कैट. नेक्स्ट आपका ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर आप पेंसिल रखेंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर दोबारा से यहाँ पर आप नीचे 1 2 3 लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, फिर यहाँ घुमाएंगे और ब्लू वाली लाइन पे यहाँ इसे मिला देंगे. बन गया आपका डी. क्या बन गया? डी. डी फॉर डॉग. जिस तरीके से ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं बेटा, आपको इसी पे यहाँ पे नीचे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से आपको लिखना है. और यहाँ पे ये मैंने आपको डिस्टेंस मतलब एक एक लाइन छोड़ी है, इस तरीके से आप उस लाइन पे नहीं लिखना, जहाँ पे पॉइंट बनाया है वहीं पर आपको लिखना है. ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.